नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके बीच में आते हैं, और इस वक्त भी सबसे बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आए। लेकिन हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन प्यार तो प्यार ही है। खैर, उम्र के फासले तो भी ठीक थे, लेकिन यहाँ तो बात शादीशुदा होने की भी थी। खैर, सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी इन दोनों की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। दरअसल इनका प्यार परवान चढ़ा तो खबर प्रवीण और आफनान के घर वालों को भी हो गई। बताते चले कि प्रवीण पहले से शादीशुदा और बच्चों वाला था, वही जब लड़की के घर वालों को पता चला तो दोनों परिवार में जमकर लड़ाई हुई। एक और प्रवीण की पत्नी तो दूसरी ओर प्रवीण की माशुका और उनका परिवार। जैसे तैसे दोनों परिवार में समझौता हुआ और बात प्रवीण और आफनान के दूरियों की होने लगी। अब दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन ये दूरियां प्रवीण को नागवारा गुजरा और उसने एक प्लान बना डाला। प्रवीण ने प्लान के मुताबिक दिवाली का दिन चुना और अपनी माशुका को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। वो आफनान के घर पहुंचा और अपने साथ लिए चाकू को निकालकर आफनान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वो मारता इसके पहले ही आफनान की मां हसीना बीच बचाव के लिए कूद पड़ी। अब कातिल ने न आप देखा न ताव और फौरन आफनान की मां हसीना पर हमला बोल दिया। प्रवीण ने दोनों पर तब तक वार किया जब तक कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ नहीं दिया। घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते ही पड़ोस में खेल रहे हसीना के दोनों बच्चे कमरे में आ गए और वहां का मंजर देख चिल्लाने लगे। अब प्रवीण खुद को बचाने के लिए उन दोनों पर भी हमला बोल देता है और दोनों को मौत के घाट उतार देता है। यानी अब घर में एक बच्चे समेत एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही कातिल ने पड़ोस की एक लड़की को भी धमकी दे डाली। दरअसल वो लड़की घर से आ रही चीख सुनते ही बाहर आई थी, जिसे कातिल ने देख लिया था। हालांकि पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और सभी को आगे के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत भी करार दे दिया गया। पुलिस जांच ही कर रही थी कि तभी महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले प्रवीण अरुण चौगले को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रवीण ने आफनान और उसकी माँ हसीना समेत दो बच्चों की मौत की बात कबूल कर लिया। उडीपी के एसीपी डॉक्टर अरुण ने बुधवार को मीडिया को बताते हुए कहा कि अरुण चौगले ने चार हत्याएं करने की बात कबूल कर ली है। ठुकराए गए प्रेमी ने पुलिस को बताया कि दोस्ती, आफनान के लिए प्यार और पैसे के मामले ने उसे अपराध को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। आरोपी ने दावा किया था कि उसने बचने और सबूत मिटाने के लिए अन्य तीन हत्याएं भी कर डाली।